आपका हमारे YouTube चैनल नेहा की रसोई में। और आज की रेसिपी है अंडा बिरयानी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमने अंडा लिया है सात और आलू है। तो अंडे और आलू को दोनों को हमने बॉईल कर लिया है पहले ही। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं चावल है जिसको हमने भिगो लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चावल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिया एक भगोना और सबसे पहले हम लोग इसमें तेल डालेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें। और अब सबसे पहले देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है क्योंकि भगोना जो हमने पहले से ही रखा था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जीरा डालेंगे और साथ में तेज पत्ता डालेंगे, इसमें लहसुन लिया है, मिर्च, और अब हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे थोड़ा सा और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हल्का सा ब्राउन होने देंगे प्याज को। तो देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम लोग इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगा के रखा था और इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो हल्का सा हमने इसे भून लिया, तो हम लोग इसमें पानी डाल लेंगे। तो देख सकते हैं और हम लोग इसको ढक देंगे। तो यहाँ देखिए हमने अंडों को और आलू जो था उसको हमने छील लिया है। तो अब हम लोग अंडों को फोक की सहायता से इस तरह से इसी तरह से, तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्दी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ देखिए हमने लिया कढ़ाई, इसमें हमने तेल डाल दिया है जो कि गर्म हो गया है। तो अब हम लोग इसमें एक एक कर अंडे डालेंगे और तलेंगे। इसी तरह से हम लोग अंडों को डाल के ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अंडे बना रहे हैं और बगल में जो है इंडक्शन उस पर हम लोग चावल रखे हैं जो कि हो रहा है अभी। तो यहाँ देखिए हमारे अंडे तल गए थे तो हमने उसे निकाल लिया और फिर से हमने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल दिया है। पहले से ही तेल था और थोड़ा सा हमने और तेल डाला है जिसमें हम लोग अंडा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसी तेल में हमने अंडे जो थे वो फ्राई किए थे और इसी में हमने थोड़ा सा और तेल डाला है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग तेज़पत्ता डालेंगे। और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे, इसको थोड़ा चटकने देंगे हम लोग मेथी दाने को। और साथ में हम लोग इसमें जो लहसुन है वो डाल देंगे। और इसमें साथ में हम लोग जो मिर्च है वो डाल देंगे और मिर्च के साथ ही हम लोग प्याज को भी डाल के फ्राई करेंगे। मिर्च, लहसुन और जो प्याज है सबको डाल लिया है और अच्छे से इसे कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए हमने टमाटर और प्याज है जिसको हमने पीस लिया है
और अब हम लोग चलते हैं मसाला मिलाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, और ये हमने लिया है मसाला गरम, और ये है लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी मिला के इसको मिला लेंगे। और यहाँ देखिए, हमारे जो मिर्च लहसुन और प्याज थे वो भून गया है। तो अब हम लोग इसमें जो आलू था उसको हमने बारीक काट लिया है, तो इसको हम लोग भूनेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा जो चावल है वो भी हो गया है। मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, हो गया ये। तो यहाँ देखिए, हमने जो चावल बनाया था उसमें से आधा से कम चावल हमने इस थाली में निकाला है, जिसमें हम लोग फूड कलर मिलाएंगे। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें हम लोग कलर मिलाएंगे। तो देख सकते हैं, हमने इसमें कलर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने मिला लिया है इसमें अच्छे से। और हमने ये लिया था ऑरेंज रेड कलर। और यहाँ देखिए, हमने जो आलू डाला था वो भी भून गया है। तो अब हम लोग इसको इसी में मैश कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने मैश कर लिया है हल्का सा। तो अब हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे, और मसाले के साथ ही हम लोग जो टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाए थे उसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से भून गया है। तो हम लोग इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें लगभग 2 कटोरी पानी डाला है, और अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक, और अब हम लोग इसमें जो अंडे हमने तल के रखे थे उसे डाल देंगे। और 6 से 7 मिनट में जो हमारे अंडे वो बन के तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको ऐसे ही ढक देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा जो अंडा है वो हो गया है अंडा मसाला। तो यहाँ देख सकते हैं, जो हमने चावल था वो फूड कलर से कलर किया था वो है, और ये वाइट वाला है। तो हमने इसमें थोड़ा सा जो भगवान है उसमें रखा है, और ऊपर से हम लोग जो कलर किए थे वो वाला चावल डालेंगे, और उसके बाद से जो हमने अंडा मसाला बनाया है। इस तरह से हम लोग को लेयर बनाना है। एक बार अंडा मसाला डालेंगे, फिर उसके बाद से चावल डालेंगे। तो देख सकते हैं आप, और अब हम लोग इसके ऊपर से चावल डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सफ़ेद चावल वो डालेंगे, उसके बाद जो हमने कलर किया था वो डालेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने एक लेयर चावल का और एक लेयर जो हमने अंडा मसाला बनाया था उसका हमने डाल के, और देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अंडा बिरयानी बन के तैयार है। और हमने एक अंडे को बीच में से कट किया है, उस पर हमने हल्का सा मसाला लगाया है, और देख सकते हैं आप बन के एकदम से तैयार है। और ये तो यदि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।